की भारी भीड़ की ओर गया। इतने राजा क्यों आए हैं? बहुरी पिलो की बिदी है सन कहबु काही अति भीड़ पूछत जान अजान जिमी हो जाता तो भीड़ का क्या कारण है? सीख सुनाओ जनक, इस भीड़ का कारण क्या? समाचार कही जनक सुनाए जही काजन मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गो सीता ने यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला जिसमें ये आज गो गया। सुनत बचन फिर अनति निहारे देखे चाप खंड महीदार। ये समाज कितना स्वार्थी है, तुम लोग मेरे धनुष के पीछे पड़ गए, अब हम तुम्हारे पीछे। जना नाम संघा इति समाजा, मनुष्यों के समूह का नाम ही तो बेटे समाज है। और इस ज्ञानी समाज में भूत भामन भगवान चंद्र मौल की प्रिय आयुध के साथ ऐसा व्यवहार, ये कितना स्वार्थी समाज है। जब तक स्वार्थ रहा इस धनुष का नित्य बंधन होता रहा, पूजन होता रहा, यजन होता रहा, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो गया आज इसके साथ ये व्यवहार किया गया। एक टुकड़ा कुछ का भी नहीं इसे प्रदान किया गया। नीत कहती हो में दाने जपे स्वाध्याय पितृ कर्मणि करौ सदर बहु कुर्वीत तथै संध्या विवादने। इतने कर्म करते समय कुशा का प्रयोग होना चाहिए। आज बंद तुम धूल धूसरी तो हो गए हो प्यारे विनायक। पार विद्या निज भरत राय धुम दम यद चितम निर्मोकीन चवाशुकीन वलितम यत सादरानंदिन भव्यम यत्र पुरारी। यन मन्मथो उन्माथना सत्यो मम राम नाम विभवी द्विधाम कृतम दृश्यते आज अजगो खल लख घर। ये हृदय फलता है हमारा आज अजगो खल लख घर। ये झूठा जग का सहारा आज धरती रोपड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा? परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो? बोलो गुरु बंधु बोलो। आज मौन क्यों हो?
कहाँ रह गई आई शक्ति तुम्हारी, बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। तुम्हारी स्तब्धता को लगकर मेरे हृदय में प्रशोध का भाव जागृत, जिस पापी पाखंडी ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है गुरुद्रोही, कौन है शिवद्रोही, धर्मद्रोही? अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। सीख सुना, कौन पापी पाखंडी जिसने मेरे आराध के पामरे पे लाख को भय खंडों में भग किया, और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब बेटी दिखाबू मोढ़े नत आजू भूल जाऊ मई ही जब लग तब राजू। चाहे दिख तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर जनक नाच नाच। मारे डर के जनक जी कोई उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन जो दुष्ट राजा हैं परशुराम जी का क्रोध देख देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। लेकिन राम जी ने जाना कि सब डरे हैं, सब है पिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। मेरे महाप्रभु आप जानना चाहते हैं अजगो का खंडन किसके द्वारा किया गया है? हे देवता, इस अजगो का खंडन जिसके भी द्वारा किया गया है वो कोई दूसरा नहीं आपका दास ही है। हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किस से डर सकता है, जिस पर है कृपा जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है को इकदा से तुम्हारा आया सुका कि न मोई कहिया कि न मोई। कहें कहें भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? व्यास जी, ये बालक दिखने में बड़ा छोटा लेकिन एक एक शब्द का जो भाव है जब हमारे समझ के परे है। गुरु राज राजघराने के हैं तो राजनीति तो जानते हैं। अरे राजनीति जाने, इसके कुशल खिलाड़ी बने तब तो बहुत अच्छी, लेकिन ये कूटनीति के विशेष पारंगत है। जब हमारी समझ के परे है इस बालक की शब्दावली का भाव, तो ये समाज में रहने वाले ज्ञानियों के क्या समझ में आ सकती है? धनु भंजन हार शंभुनाथ जिसने धनुष का खंडन किया है वो भगवान शंकर का स्वामी है और संबोधन हमारी ओर है।
कि नाथ संबोधन भंजन हारा, आखिर ये बालक नाथ शब्द को संबोधित किसके निमित्त। यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन बाद में जो कहा है उसमें शंका हो गई कि हुई है को एक दास तुम्हारा, हुई है माने होगा, क्यों कोई, क्यों माने कोई, बोलो अनिश्चित वाचक शब्द है ना, हुई है क्यों, जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है क्यों। अरे क्यों माने गुरुदेव, होगा कोई, देखिए कोई और क्यों में भेद है। हाँ, तो जब वो कोई है तो फिर एक कहां से आया, हुई है को एक, परवश जीव सबस भगवंता और जीव अनेक एक, ज्ञान अखंड एक। इस संसार में तो एक एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या माने, कह रहा हूं वो दास है, अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवृत्त्यावसित है, ऋण मोक्षित है, किस कोटि का दास है राम, उस दास की कोटि स्पष्ट की जाए, हम वहां तक पहुंचने का दुस्साहस करेंगे। किंतु इसने कहा आयुष का आज्ञा मांग रहा है, तो सिद्धांत बना है आयुष सम नर्स साहिब सेवा, आज्ञा मांगने के समान दूसरा कोई समाज में सेवक धर्म नहीं होता। इसलिए सेवक की परिभाषा क्या है, सेवक की परिकर क्या है, इस बालक को समझाया जाए। सेवक सो सो जो करे सिबकाई, अधिकरणी कधिकरिये लड़ाई। सेवक का धर्म है सेवा करें, यहाँ पर नीत की गई राम। वह बापुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करे, सुनहु राम सुनहु राम। जही से धनु तोरा सहसे बाबू सब सोरी पुमोरा। साधारण शत्रु ही कार्तवीर अर्जुन के भुजाओं के समान मेरा बैरी है, जिस प्रकार से मैंने क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन के साथ भुजाओं को छाटा है, आज धनुष तोड़ने वाले की भुजाओं को छाटूंगा, और उसके लिए कठोर निर्णय। सो बिलकारू बिहाई समाजा, न तुम्हारे चाहिए सब राजा। जितने धनु तोड़ा हुआ समाज का त्याग करे, मेरे सामने आवे, और यदि नहीं उठ रहा तो ये राजा बिहाई सो, ये राजा उससे दूरी बनावे। दूसरे शब्दों में कह दें, जो ये राजा फैले हैं ये एकत्रित हो जाएं। हाँ सही है, जो राजा दूर दूर है पहले वही मारे जाएं गुरुदेव। अर्थभूवश राम गच्छ जाओ रघुनंदन, इस कार्य का क्रियान्वयन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही? आइए देखिए, सब लोग समाज बना करके बैठे, जो लोग दूर है थोड़ा पास में आ जाएंगे, तो देखिए मंचन करने का आनंद अलग होता है, बढ़िया समाज दिखे। और यहाँ के बहुत ही अच्छे सुनने वाले रसिक और सुधी श्रोता है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का क्रोध बढ़ा है और परशुराम जी को देख देख करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, तो परशुराम जी को लगा कि ये बालक मेरा अपमान कर रहा है, बस यही होने लगा। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्कुराने, सुनी मुन बचनो। और आप हैं आदरणीय श्री नारायण जी की अधिकार आपकी ओर से 51 पुष्मुद्राएं भगवान परशुराम जी राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। सभी लोगों ने सुना।